नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। साल के आखिरी रविवार को गुलजार रहे महानगर के सभी पर्यटन स्थल, विक्टोरिया से लेकर चिड़ियाघर मैदान सहित सभी पर्यटन स्थलों पर खचाखच भीड़ दिखी। हालांकि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यह छवि वाकई चिंताजनक है। इसी भीड़ को हमारे कैमरा पर्सन दीपेन उपाध्याय ने अपने कैमरे में कैद कर ली। आइए देखते हैं वीडियो। पत्नी लगी रहती थी फेसबुक पर, पति को नगवार गुजरा, कर दी हत्या और खुद झूल गया फांसी पर। हावड़ा के चैटर्जी हार्ट में दंपति की अस्वाभाविक स्थिति में मौत। दंपति की बेटी ने दिया बयान, कहा पापा को नहीं पसंद था माँ का फेसबुक करना। मोबाइल देख तो मैंने फेसबुक जिनम लोग गुलो करे फेसबुक स्क्रॉल करे तो माय को तो বাবা বলতে যে তুমি ফেসবুক দেখবে না, তুমি ফোন ঘাঁটবে না, এদের মেয়েদেরকে নিয়ে পড়াবে, এ করবে, মা সবই করতো। তবু মায়ের বাবারও কোনো প্রবলেম ছিল এত। साल के अंत में बारिश की संभावना, 28 व 29 दिसंबर को हल्की बारिश का पूर्व अनुमान। हालांकि इसका असर महानगर पर कम ही पड़ने की संभावना है। 29 तक দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। পশ্চিমী ঝঞ্জার প্রভাবে হাওয়ার গতিপথের কিছুটা পরিবর্তন এবং সেই সাথে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্পপূর্ণ হাওয়া, এই দুয়ের প্রভাবে এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে। প্রভাবটা বেশি পড়বে আমাদের পশ্চিমের জেলাগুলো, স্পেসিফিক্যালি 28 তারিখে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, এই জেলাগুলোয় দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। 29 তারিখে বৃষ্টিপাতের স্প্রেড এবং ইন্টেন্সিটি দুটোই বাড়বে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, এই সাথে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, এই জেলাগুলোয় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা 29 তারিখে। अगले साल तक जोका से तारातला तक पटरी पर दौड़ने लगेगी मेट्रो। अंडरग्राउंड काम के लिए मैदान इलाके में की गई मिट्टी की टेस्टिंग। नगर निकाय चुनाव पर कल जारी हो सकती है अधिसूचना। चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। धूमधाम के साथ हिंदी मेला का उद्घाटन, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा का सांस्कृतिक आह्वान। सोमा बंदोपाध्याय को प्रोफेसर कल्याण मल लोढ़ा शिक्षक सम्मान। हम लोग बचपन में मेला में जाते थे, खो जाते थे, फिर मेले के अंत में मिल भी जाते थे। मेले का चरित्र यही होता है कि आदमी खो जाता है, तो हम लोग सब यहाँ पर खोने के लिए आए और बाद में हम लोग मिल भी लेते हैं। हिंदी की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी विभिन्न चोटियां जो है उनको आप इकट्ठा कर लेते हैं। रैप म्यूजिक कॉन्टेस्ट के जरिए महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी कोलकाता पुलिस। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म तैयार कर आयोजित होगा कॉन्टेस्ट। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। 40 से 50 साल की महिलाएं मोदी से ज्यादा प्रभावित, जीन्स वाली लड़कियां नहीं, दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल। 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। इन पर थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है और वही सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मनोरंजन की खबरों पर एक नजर। बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी ने डीप नेक ड्रेस में किया ऐसा जबरदस्त डांस, देखिए ये वीडियो। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। थोड़े बादल छाए रहेंगे। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।